दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उन देशों की राजधानी क्या है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि उन देशों में कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित हैं, कौन कौन सी मुद्रा प्रचलित है, ठीक, क्योंकि एक देश में एक ही मुद्रा प्रचलन में है। ठीक, तो यहाँ पर हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, साथ ही जो भारत की सीमा से संबंधित नहीं है उनके बारे में भी देख लेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है, जिनकी देश की राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अक्टूबर महीने में जो UPPET का एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसमें भी ये टॉपिक है, ठीक, GK में ये टॉपिक है। तो उस नज़रिए से, उस हिसाब से जैसा भी लगे आप इनको तो ज़रूर याद कर लीजिए, बाकी अन्य एग्ज़ामों में भी काम देंगे ये आपको, और साथ ही आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए हम इसको विद मैप समझेंगे, आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और साथ ही इससे जुड़े जो अन्य बातें हैं जो भी, उनको भी हम कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है, ठीक, मैंने मैप बनाने का पूरा प्रयास किया है, आई होप आपको समझ में आ जाए। तो ये आप भारत का मैप देख रहे हैं, तो ये भारत है। ठीक, अब भारत की जो स्थलीय सीमा है जो आपको दिख रही है, भारत की स्थलीय सीमा, तो भारत की स्थलीय सीमा से कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक, तो वही पड़ोसी देश होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्थलीय सीमा साझा नहीं करते वो नहीं है, अगर जलीय सीमा भी साझा कर रहा है तो वो भी पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पाकिस्तान को देखेंगे, फिर अफगानिस्तान, और इधर चीन हो जाएगा, ठीक, और नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और म्यांमार हो जाएगा, और ये बांग्लादेश। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं। ठीक, और पड़ोसी देश में श्रीलंका भी आता है, लेकिन ये जलीय सीमा साझा करता है। तो ये स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 हैं और प्लस 1, 8। तो ये बात हो गई, और मैप के जरिए आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान कहाँ पे है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में सबको पता है कि भारत देश की जो राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, और यहाँ की मुद्रा रुपया चलती है। ठीक, ऐसे नेपाल की राजधानी काठमांडू है और रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, टका। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और मुद्रा का नाम क्या है, अफगान रुपया। ऐसे ही चीन की राजधानी बीजिंग है और रॉनमिनबी या युआन इसकी मुद्रा है। ठीक, तो रॉनमिनबी या युआन। ऐसे ही भूटान की जो राजधानी है, कहीं कहीं थिम्पू भी लिखा जाता है या थिम्फू, तो आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं, थिम्पू या थिम्फू। और भूटानी नेगुल त्रम जो मुद्रा है वो भूटान की है। ऐसे म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की नैपिदा है राजधानी, म्यांमार की राजधानी नैपिदा है और वहाँ की जो मुद्रा है वो है क्याट। ठीक, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका की राजधानी, देखिए पुरानी राजधानी कोलंबो थी, लेकिन नई जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे है। ठीक, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। इसके बाद आप मालदीव देखेंगे, जो द्वीप है, ठीक है, ये भारत से दूरी पर है, इसके साथ कोई स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, लेकिन आप याद कर लीजिए मालदीव और इंडोनेशिया, इनको आप याद रखिए। तो मालदीव की राजधानी माले है और इसकी जो मुद्रा है वो मालदीवी रुपया है। और ऐसे इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है, नुसंतारा है, और मुद्रा रुपया है। तो ये आपने देखा कि भारत के पड़ोसी देश, राजधानियों और मुद्रा। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट ये हैं कि आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि जैसे पाकिस्तान है वो किन राज्यों से सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान किन राज्यों से, जो भारत के किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है, वैसे चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक, तो जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक, उन्हीं की सीमा लगेगी भारत के राज्यों से।
तो ऐसे ही सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश भारत के राज्यों से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, लगभग 4,096 किलोमीटर। और वहीं सबसे कम अफगानिस्तान सीमा साझा करता है, कितना? लगभग 106 किलोमीटर। ठीक, और बात करें अगर पाकिस्तान की, तो देखिए अगर एक्चुअल में आज का जो मैप है वो ये जो ये एरिया देख रहे हैं ऊपर वाला, ठीक यहाँ पे, तो ये पीओके के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर आप इसको स्किप करते हैं तो एक प्रकार से ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा ही है। तो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को टच करता है, एक राज्य पाकिस्तान, फिर किसको टच करता है? यहाँ पे पंजाब आ जाएगा, फिर राजस्थान आ जाएगा और गुजरात आ जाएगा। तो पाकिस्तान चार भारतीय राज्यों को, लेकिन अभी क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक, तो एक यूनियन टेरिटरी यानी एक यूटी और एक पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, तीन, ठीक है, तीन जो राज्य हैं उनको टच करता है। इसके बाद हम अफगानिस्तान को देखते हैं, तो अफगानिस्तान ऐसे ही वन यूटी जम्मू एंड कश्मीर को से सीमा साझा करता है। अगला अगर चीन से देखते हैं, तो देखिए यहाँ से अगर हाफ करेंगे तो लद्दाख का एरिया आएगा, जो एक यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो चाइना उसको टच करता है, फिर इधर हिमाचल प्रदेश आ गया, फिर उसके बाद उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड, और उसके बाद फिर इधर सिक्किम, और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चीन की बात हो गई, तो चीन लगभग एक यूनियन टेरिटरी हो गया, और राज्य की बात करें तो एक हिमाचल प्रदेश, एक दो तीन चार, लगभग चार भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हो गए? एक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही बात अगर भूटान की करें, तो भूटान जो है यहाँ पे आप सिक्किम को देख सकते हैं, सिक्किम से सीमा साझा करता है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगर हम बात अगर यहीं पे नेपाल की बात कर ले, तो नेपाल तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, ठीक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो टोटल पांच भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है कौन? नेपाल। भूटान की बात हो गई, इसके बाद हम बांग्लादेश की बात करते हैं। तो बांग्लादेश देखिए पहली बात तो वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, फिर असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन पांच भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। ऐसे ही अगली बात किसका नंबर है? म्यांमार का। म्यांमार की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन चार भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा के अलावा जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो देश भारत के किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं उनके बारे में भी आपने जाना। तो अक्सर ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इजी पड़ जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान से कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, या फिर बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, ऐसे ही क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी आपको बताया सबसे सबसे लंबी सीमा साझा बांग्लादेश करता है, वहीं सबसे कम अफगानिस्तान। तो इस चैप्टर से जितना भी था वो मैंने आपके सामने रख दिया है, बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी करिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।